हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एल्केमी एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। मींस आपको सपोज कोई इंडस्ट्री बनानी है, कोई इंडस्ट्री बन रही है जीरो लेवल से। जीरो मींस वहां पे केवल ग्राउंड है आपका, ओके। इसको आपको 100% एक इंडस्ट्री बना के देना है, मतलब एक मान लो आपको रिफाइनरी बना के देना है। तो उसको बनाने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? अभी कुछ नहीं है, सब कुछ प्लान हो गया कि रिफाइनरी वहाँ बननी है। तो जीरो लेवल से 100% तक उस रिफाइनरी को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्री कमिशनिंग और कमिशनिंग स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया। मान लो आपको यहाँ से 100% कोई एक इंडस्ट्री से आपको बनानी है, तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे, वो इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टेप्स आपके आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं किसी इंडस्ट्री को कमीशन करना है, तो उसमें पहले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं वो रेडी हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको आपको प्लान, सपोज आपको इंडस्ट्री बनानी है तो आपका क्या प्लॉट प्लान रेडी हो जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में चाहिए होता है, सपोज GA ड्राइंग, PN ID हो गया आपका, डेटा शीट हो गया, प्लॉट प्लान हो गया, 3D मॉडल हो गया, ये सारे चीज़ें अवेलेबल रहेगा, उसके हिसाब से इंडस्ट्री बनेगी। आइसोमेट्रिक्स हो गया, ओके। तो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द प्री कमिशनिंग एंड द कमिशनिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट। तो एक इंडस्ट्री जब बनती है तो उसमें बहुत सारे प्री कमिशनिंग और कमिशनिंग स्टेप्स होते हैं। तो प्री कमिशनिंग में अगर हम मेजर स्टेप्स की बात करें तो ये सारे मेजर स्टेप्स है। पहला आपको पाइपिंग का प्री कमिशनिंग होगा, देन स्टैटिक इक्विपमेंट का होगा, देन आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट का प्री कमिशनिंग होगा, देन मैकेनिकल रिस्पेक्ट में क्लियरेंस होगा, देन इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्री कमिशनिंग होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा उसका क्लियरेंस होगा, सिविल सिस्टम होगा उसका क्या होगा आपका प्री कमिशनिंग होगा। तो ये प्री कमिशनिंग क्या है? प्री कमिशनिंग क्या है? एक अर्ली स्टेज ऑफ कमिशनिंग है, मतलब चीज़ों को रेडी करना, धीरे धीरे कमिशनिंग स्टेज में लाना। तो पाइप में हो क्या हो गया, पाइप में जैसे आपका पाइपिंग का इरेक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इसका फ्लशिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आती है पाइप में, प्री कमिशनिंग के स्टेप्स में आते हैं। मेजर स्टेप्स क्या, मान लो आपको फ्लशिंग हो गया, इंस्टॉलेशन, पाइप का इंस्टॉलेशन, वाल्व इंस्टॉलेशन इसमें हो गया, मतलब पाइपिंग सिस्टम पूरा रेडी करना, पाइप वाल्व इंस्टॉलेशन, मतलब रेडीनेस ऑफ पाइपिंग सिस्टम, जितने भी पाइपिंग सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक केवल पाइप, दो पाइपलाइन होगा, सर्विस वाइज पाइपलाइन, सपोज नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोकार्बन का हो गया, और सर्विस वाटर का हो गया, कूलिंग वाटर का हो गया, बेयरिंग कूलिंग वाटर का हो गया, ये सारे क्या होते हैं सिस्टम वाइज डिवाइड होते हैं कि एक एक सिस्टम में रेडी करना। तो एक पाइपिंग सिस्टम का आपका प्री कमिशनिंग होगा, डिटेल्स में मैं बाद में आपको बताऊंगा। देन आता है स्टैटिक इक्विपमेंट। स्टैटिक इक्विपमेंट मतलब वो स्टेशनरी रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, लाइक हीट एक्सचेंजर हो गया आपका, KOD हो गया, हीटर हो गया, फर्नेस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आपका स्टैटिक इक्विपमेंट में आते हैं। देन आता है रोटेटिंग इक्विपमेंट, इसको प्री कमीशन करना है। रोटेटिंग इक्विपमेंट क्या आता है, पंप हो गया आपका, कंप्रेसर हो गया, ब्लोवर हो गया, टर्बाइन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी रोटेटिंग इक्विपमेंट में। तो इन सबको प्री कमीशन करने के लिए सर्टेन डिफाइंड चेकलिस्ट और स्टेप्स होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मेजर चीज़ें जो है मतलब प्री कमीशनिंग कमीशनिंग में, उसके बारे में बता देता हूँ, बाद में एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। अब यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट हो गया। अभी नॉर्मली आप मैकेनिकली साइड तो रेडी करोगे, तो जो चीज़ें क्या होते हैं, जो प्लांट होता है वो DCS के थ्रू कनेक्टेड होता है। एक मान लो मैकेनिकल पार्ट हो गया, प्लांट यहाँ हो गया, एक DCS कंट्रोल रूम होगा जहाँ से जो DCS पैनल ऑफिसर होगा वो प्लांट को ऑपरेट करेगा जब स्टेडी स्टेट बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनता है वहाँ पे क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, जैसे कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना, DCS कमीशन करना, DCS सिस्टम पूरा कमीशन करना, ये सारी चीज़ें किसमें आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में आता, तो उसको रेडी करके देना। इसके भी लूप्स डिवाइड होते हैं, वेट लूप, ड्राई लूप ऐसे बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री को चलानी है तो पावर की जरूरत होगी, पंप हो गया आपका, कॉम्प्रेसर हो गया, टर्बाइन हो गया, जनरेटर, सब क्या है, बिना इसके तो होगा नहीं कुछ। तो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम रेडी करना है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होगा, आपके सारे चीज़ें तो आ जाएगा, इक्विपमेंट परचेज हो जाएगा, जहाँ पे लगना था स्टेशन वहाँ पे लग जाएगा। तो उसको क्या करना है, उसको पहला नंबर तो क्रॉस वेरिफिकेशन करना जितनी चीज़ें आई हैं, दूसरा नंबर एज पर डेटा सीट से उसको मैच करना, तीसरी चीज़ें उसको नो लोड टेस्ट और लोड टेस्ट करना रहता। तो इलेक्ट्रिकल में बेसिकली जो दो चीज़ें हैं वो क्या है, लोड टेस्ट एंड
एंड नो लोड ट्रायल, नो लोड ट्रायल। तो ये सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगा। फिर आता है सिविल। अब सबसे पहले काम तो सिविल का ही शुरू होता है। सपोज फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो गया आपका, और जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रक्चर लगेगा उनके नीचे का जो अंडरग्राउंड सिस्टम यूजी सिस्टम हो गया वो सब रेडी कौन करता है? आपका स्टॉर्म वाटर सीवर हो गया, सब सिविल स्टार्ट कर देगा। सबसे बेसिक जो काम स्टार्ट होने लगता है वो आपका सिविल का काम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला काम हमारा सिविल का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमने ये सारे चीज़ें रेडी कर दिया एकदम, ऐसा हमने बोल दिया, बाद में लीक चेक वगैरह पाइपिंग में आता है, सब सारी चीज़ सिस्टम का पूरा लीक चेक कर दिया, इनर्टाइज कर दिया, फ्लशिंग हो गया, हाइड्रो टेस्ट हो गया, मैकेनिकल क्लीयरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएगा तो हमारा क्या है सिस्टम प्री कमीशन हो गया, मतलब सब कुछ रेडी है हमारे लिए। अब बात करते हैं कमीशन में। कमीशन मतलब जो चीज़ें बन गई हैं अभी, इंडस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब उसको क्या एक एक करके कमीशन करना है। तो सबसे पहले यूटिलिटी लाइन्स। तो जैसा मैंने आपको पाइपिंग बताया था कि पाइपिंग में तो फ्लूड्स दौड़ेंगे, उसमें क्या है कि यूटिलिटी लाइन्स में क्या होता है, जितने भी यूटिलिटीज़ होती है, यूटिलिटीज़ में क्या हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, दूसरा वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर कूलिंग वाटर हो गया, कूलिंग वाटर सर्विस वाटर, क्या होते हैं सर्विस वाटर, ये सारे क्या यूटिलिटी लाइन्स हैं। तो इसका एक सिस्टम बनता है, ऐसा नहीं है कि मतलब नाइट्रोजन का एक पूरा सिस्टम होगा जो यूटिलिटी से कनेक्टेड होगा, नाइट्रोजन को सप्लाई करेगा। अब नाइट्रोजन का एक पूरा हेडर आएगा, मान लो ऐसे एक पूरा नाइट्रोजन का एक हेडर आएगा, वहाँ से ब्रांचेज निकलेंगे अलग अलग यूनिट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री अलग अलग यूनिट अलग अलग जगह पे। तो ये क्या पूरा सिस्टम, सपोज नाइट्रोजन का यहाँ मेन यूटिलिटी सोर्स है, यूटिलिटी सोर्स है, तो ये सारे पॉइंट्स पे जाएगा और प्लांट यूज़ के लिए, जितने प्लांट हैं उन सारे प्लांट यूज़ के लिए जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम रेडी होगा, ये सब सिस्टम हो जाएगा। तो इसका लीक चेक हो जाएगा, लीक सिस्टम लीक चेक हो गया एक बार, फ्लशिंग वगैरह सब हो गया, लीक चेक के बाद इसको सिस्टम इनरटाइज हो गया, इसमें नाइट्रोजन चार्ज कर देंगे। मतलब एक बार नाइट्रोजन इसमें आ गया, जितने डिजायर्ड प्रेशर है सपोज 6.5 केजी है, तो उतना प्रेशर पे चार्ज हो गया, सारे पीजी वीजी सब रीड करने लगे, सिस्टम प्रेशर होल्ड हो रहा है, कंट्रोल वाल्व तक पहुँच गया, मतलब हमारा एक सिस्टम रेडी हो गया। सिमिलरली वी हैड टू कमीशन ऑल द यूटिलिटी सिस्टम, एक ऑक्सीजन कूलिंग वाटर सर्विस वाटर जितने भी हैं सबको कमीशन करना है। अब आता है स्टैटिक इक्विपमेंट, इनका कमीशनिंग। तो स्टैटिक इक्विपमेंट में ज़्यादा कुछ कमीशनिंग को है नहीं, सारे पाइपिंग अगर आपको रेडी हो गया तो इक्विपमेंट टू पाइप कनेक्शन, इसमें क्या है पाइप प्लस इक्विपमेंट कनेक्शन कर देते हैं, जो क्योंकि इक्विपमेंट तो परचेज हो क्या आता है, तो दोनों के बीच में ब्रेकर्स फ्लेंज रहता है उनको कनेक्ट करते हैं, तो सिस्टम को पूरा रेडी करते हैं। अगर सिस्टम रेडी हो गया तो उसको भी जैसे लीक चेक करना होता है लीक चेक कर देंगे, लीक चेक करने के बाद जो प्रोसेस फ्लूइड के साथ कनेक्टेड रहेगा उस पूरे सिस्टम को उसके साथ रेडी कर देंगे और लीक चेक इनरटाइज करके सिस्टम को रख देंगे, बाद में जो भी सर्विस है उसको उसमें चार्ज करेंगे। तो ये स्टैटिक इक्विपमेंट का कमीशनिंग की बात हो गई। रोटेटिंग इक्विपमेंट कमीशनिंग में, रोटेटिंग इक्विपमेंट कमीशनिंग में आपका क्या हो गया पंप हो गया, कॉम्प्रेसर हो गया, टर्बाइन हो गया, इन सब का क्या है आपका नो लोड ट्रायल, नो लोड ट्रायल DOR, नो लोड ट्रायल हो गया आपका DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करना हो गया। उसके बाद लोड ट्रायल, मतलब फाइनली हमारा जो प्रोसेस फ्लूड है उसके साथ उसको हमने चला दिया, तो क्या हो गया ये लोड ट्रायल हो गया इसका। तो इस हिसाब से एक एक करके सारे का लोड ट्रायल होता है। स्टार्टिंग में तो हाइड्रोकार्बन वगैरह होते नहीं, तो कोशिश करते अगर उससे सिमिलर फ्लूड कोई है, सपोज कंडेंसेट का कोई पंप है, तो हम वाटर से उसको प्रूव कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इन सब का क्या है लोड ट्रायल हो जाता है। अब प्रोसेस लाइंस की अब बात आ गई। प्रोसेस लाइंस में आपका हाइड्रोकार्बन लाइन हो सकता है, सोवर वाटर का लाइन हो सकता है, अगर डिपेंड करता है आपका कौन सा सिस्टम है, गैसिफिकेशन है तो सिनगैस सिस्टम हो जाएगा आपका। प्रोसेस लाइन में बहुत सी LPG की लाइन हो गई, आपकी नॉर्मल नाफ्था की लाइन हो गई, आइसोमरेट की लाइन हो गई, वो सारे जितने भी लाइन्स आपको क्या है कमीशन करना, इनर्टाइज करके आपने रख दिया सिस्टम को, सारे लीक चेक फ्लशिंग हो गया, इनर्टाइज करके रख दिया, उसके बाद प्रोसेस लाइन को एक एक करके कमीशन करना। ये सारी चीज़ें एक बार अगर कमीशन हो गया मतलब आपका पूरा सिस्टम रेडी है, करेक्ट। तो ये ब्रीफ मतलब आपका डिस्क्रिप्शन था जिसके बारे में जो आपको बताना था। अब थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि ये जब बनता है तो ऑर्गेनोग्राम कैसे होता है, आई मीन डॉक्यूमेंट कौन कौन से एक्चुअल में चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको,
डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो क्या है, पीएनआईडी। पीएनआईडी क्या है, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। आपको एक्चुअल में पता है कि कौन सा फ्लो कहाँ से जा रहा है, कौन सी सर्विस कहाँ से जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम उसमें रहेगा, कंट्रोलर वगैरह का कंट्रोलिंग सारा सब कुछ उसमें दिया रहेगा। फिर आता है आपका जी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है कि एज जैसे 3D मॉडल होता है किसी इंडस्ट्री का, एज इट इज उस डायग्राम में बना गया, 2B पेपर में 3D डायग्राम बना रहेगा, उसको देख देख के हमको क्या है पूरे सिस्टम को जितनी पाइपिंग लगे हैं उसको चेक करना होता है। जैसे पाइपिंग रहेगा तो ऐसे नहीं स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो कहीं पे आएगा, कहीं पे ऐसा होता है 90 डिग्री का टर्न रहेगा, कहीं 45 डिग्री, कहीं स्लोप में रहेगा, वाल्व लगा रहे कहाँ पे, वाल्व कहाँ प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे लगा, किस पोजीशन पे लगा, वो सारी चीज़ें क्या होता है आइसोमेट्रिक डिज़ाइन में दिया होता है। तो वो उसको हमको मतलब क्रॉस चेक करना होता है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले उसको बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको तो आइडिया नहीं होता, उसके हिसाब से बना देते हैं। कहीं कभी क्या होता है वाल्व इधर लगाना तो वाल्व उधर लगाएंगे, स्पेक्ट्रल ब्लाइंड यहाँ लगाना तो अलग गलत जगह लगा देंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। तो दैट वी नीड टू क्रॉस मतलब क्रॉस वेरीफाई और इंश्योर देम, अगर गलत लगा दिया तो वी हैड टू इंश्योर देम, दे मस्ट रेक्टिफाई दैट। अब आता है बात जीए ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं आपके, एक्सचेंजर, नॉकआउट ड्रम, एक अरेंजमेंट होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में इसका मैन वे होना चाहिए या किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके हिसाब से उस सिस्टम को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जीए ड्राइंग हो गया आपका। फिर आता है डेटा शीट। डेटा शीट में क्या होता है, डेटा शीट में 3 चीज़ें हैं, मतलब आपका एक तो पंप का डेटा शीट हो जाएगा, मतलब जो भी चीज़ें सारे का डेटा शीट होगा, आपका आपका कंप्रेसर हो गया, देन उसका डेटा शीट हो गया, कंप्रेसर के बाद आपका मान लो कोई टर्बाइन वगैरह हो गया, उन सबका डेटा शीट होगा आपके पास, कंट्रोल वाल्व का डेटा शीट होगा। तो डेटा शीट बेसिकली वेंडर बताता है कि कितना उसका रेटेड कैपेसिटी है, कितना आप चला सकते हो, अलाउंस वगैरह के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताता है, उसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स में रहता है, वहाँ से आप देख सकते हो, ताकि उसके हिसाब से आप जब रनिंग इंडस्ट्री चले तो उसके हिसाब से आप चला सको। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ज़रूरत होती है जब आप इंस्टॉल करते हो, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके हिसाब से आपके फॉर्मेट्स या बोल देते हो लूप फाइल्स बनते हैं, उसके हिसाब से हर एक इंजीनियर जाके चेक करता है। पढ़ने में केमिकल इंजीनियरिंग बहुत सही है, लेकिन जब इंडस्ट्री में आओ घुसो ना एक बार, तब लगता है कितना कॉम्प्लेक्स है कि एक आध साल तो समझने में ही लग जाता है पूरा सिस्टम कैसे चलता है। तो ये हो गया, इसके बाद आपका PNID हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, जीए हो गया, डेटा शीट आ गया, आपका प्लांट लेआउट, एक आपका प्लांट लेआउट डायग्राम भी होगा। प्लांट लेआउट डायग्राम में क्या होगा कि दिखा रहेगा आपका इस एरिया में पंप लगेगा, यहाँ पे पंप लगेगा, या फिर कितने फ्लोर के बाद आपका हीट एक्सचेंजर लगेगा, और 3-4 फ्लोर है उसमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर के या टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर के, तो उसके हिसाब से आपका लेआउट पूरा बना रहेगा, उसके हिसाब से वो इक्विपमेंट वहाँ पे फिक्स होंगे। एक बार बन जाएगा तो जैसा प्लांट में जो प्लांट लेआउट है जिसमें प्लांट ऐसा दिखना चाहिए वैसे ही दिखता है, क्योंकि हमने देखा 0 से 100 बनते हुए चीज़ें देखा, जब कुछ नहीं था जमीन पे, व्हेन आई वाज इन द गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई वाज देयर लाइक देयर वाज LTHR यूनिट, वहाँ पे कुछ नहीं था, 0 था, उसको बनते हुए 100 तक हमने देखा, कमीशन किया। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं आती, आप पढ़ लो, जब तक आप करोगे नहीं, हाथ से वाल्व नहीं खोलोगे, चीज़ों को लाइनअप नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस, एक अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं कमीशनिंग का शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वन मोर रिक्वेस्ट इज देयर फ्रॉम यू गाइस कि अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और कंटेंट्स आपको अच्छे लगे हो तो उसके ऊपर कमेंट करो। इनके साथ आपको कुछ और जानना है, इनके ऊपर डाउट है, या जितने भी चीज़ें मैंने बताएं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ें क्या हैं, तो उसके ऊपर कमेंट करो। आई विल मेक द ट्यूटोरियल्स एंड पब्लिश इट फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच।